हाँ जी शिखा जी, ये आपको आर्ट करने का कब से शुरुआत किया आपने? मैंने शुरुआत पेंसिल से करी है। अच्छा। फिर शुरू में वाटर कलर ही किया, स्कूल टाइम में सिर्फ वाटर ही किया था, वाटर कलर करती थी। एंड मोस्टली मैंने शुरू से ही सी वाटर को बहुत किया है। अच्छा, वाटर एलिमेंट को आप लेके जाते चले। तो इसमें भी आपको वाटर तो उसमें भी वाटर एलिमेंट मिलेगा। तो उसके बाद कॉलेज टाइम में मेरा थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। अच्छा। आर्किटेक्चर किया था तो वो एक थोड़ा फील्ड अलग हो गया था। फिर शादी के बाद मैंने कुछ स्टार्ट किया है। अच्छा, तो आपने इसके पूरे आर्ट की और वाटर ये ऑयल कलर और एक्रेलिक कलर की प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली? नहीं, मैंने खुद से ही सीखा है। घर पे ही किया है एंड मेरे बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं। नहीं, उनको सिखाने आते थे तो उनसे मैंने बीच बीच में पूछ के कि कौन कौन से कलर्स लेने होते हैं और सब करके, तो बेसिकली सेल्फ टॉट। क्योंकि ऑयल में आपने बहुत अच्छे से लहरों को और डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से पकड़ा है। नहीं, इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था। ये इस पेंटिंग में बहुत टाइम लगा था, उसमें वेन्स पूरी दिखाना तो और मर्ज करना उसको, तो वो एक टाइम लगा था। तो बहुत ही अच्छे डिटेलिंग काम की है। और इसमें तो मेरा ये हो गया था, बीच में जाके कहीं मैं स्टक कर गई कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इसमें आगे कैसे जाऊंगी। बट समहाउ लेयर पे लेयर करके तो जब आप कोई नई पेंटिंग शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है कि उसमें अब क्या बनाना है, क्या मेरे दिमाग में फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं जब भी पेंटिंग करती हूँ तो क्योंकि सीखी नहीं है तो कोई रूल्स नहीं है, तो आज़ादी पूरी है। जो चीज़ मेरे को पसंद आती है, जो मेरे को लगता है कि इसमें मुझे सीखने को बहुत मिलेगा, तो वो पेंटिंग मैं वो सब्जेक्ट ले लेती हूँ। तो तभी आपको एक तरह से इसमें कहीं पे लिंक नहीं दिखेगा पेंटिंग में। बट समवेयर अगेन आई सेड, और आपने बिल्कुल नए सब्जेक्ट उठाए हैं। हाँ, टोटली डिफरेंट, क्योंकि इसमें मुझे कुछ अलग सीखने को मिला, उसमें मुझे बिल्कुल अलग सीखने को मिला था। एंड दैट वाज टोटली पोर्ट्रेट टाइप, वो बिल्कुल पोर्ट्रेट था। इसलिए बहुत खूबसूरती से आपने इसको कंपोज किया है कि मतलब एक फ्रीडम और आज़ादी को कैनवस में। हाँ, बेसिकली इसमें ये बताने की कोशिश की है कि व्हेन यू आर इन नेचर, अराउंड नेचर, सो यू टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू जस्ट वांट टू लिव देयर ओनली। तो इसमें आप देखेंगे आपका ना कंक्रीट पे, इस पर ध्यान जाएगा, जो मैन मेड चीज़ें हैं उसमें किसी पर भी ध्यान नहीं जाएगा। ओनली ह्यूमन एक्सप्रेशन एंड हैप्पीनेस एंड देन द बैकग्राउंड विच इज़ नेचर। सो बहुत अच्छा लगा आपका काम देखकर, और आप अपने आर्ट करियर में नई बुलंदियों को छुए, हमारी तो यही शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, थैंक यू।